हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों ने जो हमारा पोस्ट था वो जरूर देखा, क्योंकि उस दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई, बट मुझे था कि यार एटलीस्ट तुम लोगों के लिए पोस्ट डाल दूं। सो आई होप तुम लोगों ने पोस्ट देखा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत साफ साफ लिखा था कि भैया दुनिया कुछ भी बोले, अपना काम क्या है कि यहाँ पे लॉन्ग ओपन करो। बहुत से लोग बेरिश, और अगर तुम देखोगे तो हम लोगों ने एग्जैक्ट इस स्पॉट के ऊपर, हम लोगों ने बिटकॉइन पे लॉन्ग नहीं लिया, हम लोगों ने पॉप पे लिया, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो हमारा कैसा मार्गदर्शक है। तो बिटकॉइन अगर 1-2% भी ऊपर जाएगा तो मुझे पता है कि भैया ऑल्ट कॉइन्स बहुत ऊपर जाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, पॉप के ऊपर ट्रेड लिया, और ये जोन था जहां पे हमने पॉप पकड़ा। अब ये ट्रेड कैसा गया उस पर हम लोग जाते हैं, बट उसके पहले हम लोग बिटकॉइन की बात करते हैं। सो ये है भैया बिटकॉइन का मंथली चार्ट। हमारा यूजुअली क्या अक्टूबर होता है, सो अक्टूबर में तुम यहाँ देख सकते हो 28,601 तक हम लोग गए, और उसके बाद अब वापस नीचे है। और बहुत से लोग जो है वो यहाँ पे बेरिश है। सो अगर तुम देखोगे तो भैया बड़े बड़े आर्टिकल छप रहे हैं कि अक्टूबर अक्टूबर में ऐसी हालत हो गई, ये है वो है। सो अगेन मैं वही कहूंगा, बिल्कुल अभी तुम्हें मंथली टाइम फ्रेम पे ये थोड़ा बुरा लग रहा होगा, ठीक है, अब आ जाओ एक बार डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। और डेली पे मैं तुम्हें एक बार इसे ऑटो करके सेट करके देता हूँ। अब ये देखो, ये चार्ट है। अब इस चार्ट के ऊपर तुम बेरिश कैसे हो सकते हो वो मुझे बताओ। जिसने बेसिक टेक्निकल एनालिसिस भी सीखा है ना मेरे भाई, ये डाउनवर्ड ट्रेंड था, ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, वापस से क्या रीटेस्ट करने जाना है, $28,270। लोग वेट कर रहे हैं 26,600 की, शायद मुझे लगता है 25,000 की, 26,600 तो कोई वेट ही नहीं कर रहा। हर कोई कहाँ बैठा है कि मुझे ट्रेड जो है वो यहाँ 25,000 पे लेना है, क्योंकि ये जो था वो प्रीवियस सपोर्ट था, जब यहाँ आएगा तो लोग कहेंगे यार ये हेड एंड शोल्डर है। तो ये और ये जो है भैया हमारा बना हेड एंड शोल्डर, और उसके बाद हम हेड के हिसाब से नीचे ब्रेक कर जाएंगे और $18,000 पे जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पैटर्न है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे जो है वो प्राइस बिना किसी वजह के यहाँ सीधा डंप कर जाए, और डंप करके हम लोग जो है वो सीधा $20,000 पे चले जाए, नहीं वैसा नहीं होगा। सो ओवरऑल तुम यहाँ देखते हो तो हम लोग एक चीज अच्छी कर रहे हैं, हम लोग नए हाईज बना रहे हैं, और नए हायर लोज और नए हायर हाईज। जिसका मतलब ट्रेंड जो है वो अभी भी वैसा ही है। सो ये एक परफेक्ट लॉन्ग अपॉर्चुनिटी थी। और अब एक बार अगर मैं तुम्हें पॉप भी दिखा दूं, क्योंकि हम लोगों ने उस पर ट्रेड लिया है। सो मेरे भाई, हम लोगों ने यहाँ बाय किया था 51 सेंट्स पे, करंट प्राइस जो है वो 54 है, हाई जो मार के आया है वो 56 का मार के आया, हमारा टारगेट जो है वो $1 के करीब है। अगर मैं बॉटम से लेके इसको करंट प्राइस तक भी पकड़ता हूँ तो 2 दिन में 5% का मूव, अगर उसके प्रीवियस हाई तक जाते हो जो 2 दिन में हम लोगों ने देखा है वो 8% का मूव। सो 2 दिन में तुमको पैसा 8% होके वापस मिल रहा है। ट्रेड में क्लोज नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने ट्रेड को थोड़ा स्टॉप लॉस जो है वो मेरे एंट्री पोजिशन से थोड़ा ऊपर, कि अगर मैं गलत हुआ तो पैसा नहीं जाएगा, और अगर मैं सही हूँ तो मेरे भाई पैसा इजिली डबल हो जाएगा। सो अगेन, तुम अगर ऐसे ट्रेड्स मिस कर रहे हो तो मैं वही कहूंगा यार चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल ये सब ट्रेड्स मिस मत करो। इसके बाद स्पॉट ईटीएफ जो है वो अप्रूव होने वाला है, और आजकल में होगा भी यार, ये January 24 अब नेक्स्ट डेट है ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट के हिसाब से। बट मैं वही कह रहा हूँ, ना जनवरी में हो, मार्च में हो, ना मार्च में हो, जून में हो, मेरे भाई तुम्हें जब तक इन्वेस्ट, मतलब जब तक ये अप्रूव नहीं हो रहा है तब तक ही टाइम है एक्यूमुलेशन का, उसके बाद टाइम नहीं है। सो ये जितनी लेट हो उतना अच्छा, अगर तुम समझदार हो, तुम बिटकॉइन के फंडामेंटल समझ रहे हो, तो मेरे भाई तुम्हें एक्यूमुलेट करना उसके पहले ये बड़े लोग एक्यूमुलेट कर। और ये जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं कि अक्टूबर नहीं है, ये है वो है, मैं अगेन वही कहूंगा कि नहीं, इन सब चीजों को इग्नोर करो, डीसीए करते रहो। ट्रेड्स तुम्हें लेने हैं तो हम लोग बता ही रहे हैं, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो। $25,000 जैसे कि मैंने बोला, लोग उसकी वेट कर रहे हैं, वेट करते रहो मेरे भाई, इतनी जल्दी मौका नहीं मिलने वाला। दूसरी चीज, स्टॉक मार्केट की जो है वो बहुत बैंड बज रही। सो आज हम लोगों ने थोड़े दिन पहले भी इंडियन स्टॉक मार्केट की बात की थी, तो मैंने वही सोचा कि एक बार हम लोग दोबारा देख ले के वो कहाँ है। सो अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं, सो निफ्टी अगर तुम देखोगे तो स्टिल ट्रेंड जो है वो वैसा ही है। अगर हमें यहाँ ट्रेंड रिवर्स होते हुए देखना, क्योंकि अगेन मैंने वही कहा कि मैं, मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी को जो है वो यहाँ आना है, इमिडिएटली नहीं आता, वही होता है। और यहाँ अगर तुम देखोगे तो 618 से हम लोग रिजेक्ट हुए हैं, अब प्रॉब्ली हम लोगों को 618 पे एक डबल टॉप बनाना है और एक लोअर
लो बनाना है। ओके, वो लोअर लो मतलब कि तुम एट द एंड ऑफ द डे 1800 रुपए पे आने ही वाले हो। और सेंसेक्स भी अगर हम लोग देखें तो एग्जैक्ट ये भी वैसा ही है, बिल्कुल अलग नहीं है, बहुत हाइप्ड अप है अपनी मार्केट। सो थोड़ा बहुत यहाँ क्या कहते हैं उसको, करेक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये करेक्शन कोई बड़ा भी नहीं है। सो अगर मैं प्रीवियस टॉप से लेके ये मेरे जोन तक देखूँ ना, तो ये कोई खास बड़ा मूव नहीं है, ये बहुत सिंपल सा 6% का करेक्शन है, और इतना जरूरी है मार्केट में ताकि मार्केट को रीसेट किया जा सके। ओके, उसके बाद अगर ओवरऑल मार्केट हम लोग देखते हैं तो तुम देख सकते हो 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स पे, और स्टॉक मार्केट इनफैक्ट वो कैसा देख चल रहा है वो भी देख लेते हैं। ओके, क्रिप्टो मार्केट तो तुम देख रहे हो कि भैया एटलीस्ट ग्रीन में है, 0.37% जो है वो मार्केट ऊपर है। स्टॉक मार्केट अगर हम लोग देखते हैं तो वो लोअर क्लोज किया है, नैस्टेक 150 पॉइंट बेटा, डाउ जोन्स स्टिल ठीक है कि 40 पॉइंट ही गिरा है। ओके, और जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं यार, वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। सो बिटकॉइन, ये लिंक मैंने हमेशा कहा कि ये संभाल के रखो, बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक है ये तुम्हें एक्चुअली मार्केट से आगे ले जाता है कि भैया मार्केट में होने क्या वाला है। सो यहाँ अगर तुम देखोगे तो 64% लोग जो है वो लॉन्ग है, और अगेन भैया इन सब ने लॉन्ग जो है वो हमारे साथ ही लिया है। सो अगेन वही कह रहा हूँ, एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है जो तुम्हें हमेशा गाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे डरने जैसा कुछ नहीं, इनफैक्ट होल्ड करो, प्रॉब्ली हम लोग 200 डे मूविंग एवरेज को वापस टेस्ट करेंगे, जिसका मतलब हम लोग 28,000 डॉलर्स पे फिर से जाएंगे रादर देन 25,000 डॉलर्स पे गिरने की जगह। ओके, तो अब जब टाइम चल रहा है एक्यूमुलेशन का, तो मुझे लगा कि यार वापस एक बार ऑल्ट कॉइन्स भी कौन से अच्छे हैं वो हमें एक्यूमुलेट करने चाहिए, तो मैं तुम्हारे साथ वीडियो में वो भी सब डिस्कस करूंगा। और अगर मैं तुम्हारा कोई फेवरेट ऑल्ट कॉइन मिस करूं तो मेक श्योर कॉमेंट करके जरूर बताना। ओके, सो अब मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम देख के चलते हो तो 40-30 हम लोगों ने यही डाल दिया, 40% बिटकॉइन, 30% इथेरियम, बचा 30% जिसमें बीएनबी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग $70 की वेट कर रहे हैं, करने दो तुम एक्यूमुलेट करो। XRP थोड़ा सा ठीक है, SEC से हम लोग केस जीत चुके हैं, बट अगेन मैं कहूंगा कि थोड़ा ही XRP रखो, क्योंकि देखो ये कुछ ऐसा अलग नहीं कर रहा है कि जो यहाँ से ब्लास्ट आउट होगा। ओके, सो इसलिए मैं कहूंगा कि थोड़ा यहाँ पे शांत, सोलाना डेफिनेटली कर सकता है क्योंकि लोग उसको इथीरियम से कंपेयर कर रहे हैं, कार्डानो तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट था। ओके, अभी भी है कि चलो ठीक है, हम लोगों ने स्टेक करके रखा, वापस ऊपर जाएगा तो बेचेंगे, बट मैं वही कह रहा हूँ कि एक्यूमुलेट करके चलो। डॉज कॉइन तुमको थोड़ा सा चाहिए, क्यों भैया, कभी भी ट्विटर का न्यूज आया ये एक दिन में पैसा डबल करता है, तो थोड़ा डेफिनेटली चाहिए। ट्रॉन सबसे स्ट्रॉन्ग टोकन यही है, हम लोग टॉप 100 टोकन में ही देख रहे हैं, बट अगेन इसमें अगर तुम्हारे पास 10 रुपए तो एक एक दो दो रुपए हर किसी में डालते चलो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डाइवर्सिफिकेशन है। और ये सब टोकन कैसा इजिली 2x 3x होते हैं। ओके, मैटेक तुम देखो सारे NFT इसी पे है, डॉट अब सब कुछ जो है वो इसी पे बन रहा है, राइट। चेन लिंक इसे इग्नोर बिल्कुल मत करना, इनफैक्ट अगर मैं कहूंगा 10 रुपए अगर तुम्हें डालने हैं ना तो 2 रुपए इसी में डालना, 8 रुपए इधर उधर बांट लेना। ओके, एवलॉन्च ठीक है, चाहो तो थोड़ा बहुत डाल सकते हो, XLM अभी के लिए हम लोग छोड़ते हैं, मोनेरो भी छोड़ते हैं, एटम में स्टिल तुम थोड़ा बहुत पैसा डाल सकते हो, यूनिस्वैप मस्ट है, मतलब इसमें पैसा डालना मस्ट है मेरे भाई। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आर्बिट्रम, और क्योंकि मार्केट कैप बहुत छोटा तो तुम्हें ये ज्यादा गेन्स दे सकता है। ओके, आवे अच्छा प्रोजेक्ट है क्योंकि लेंडिंग के ऊपर है, रेंडर ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बाय किया है 85 सेंट्स में, तो मुझे नहीं लगता कि और बाय करने की जरूरत है इसमें। ओके, बट अगर तुमने बाय नहीं किया है तो थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद थेटा नेटवर्क, क्योंकि इनकी पार्टनरशिप स्टिल बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ है, वो वही है यार, एक बार हवा बदली तो सब ये भी बदलेगा, सैंडबॉक्स माना दोनों अच्छे टोकन्स हैं। ओके, बीएनबी में हम लोगों ने पैसा डाला है तो ठीक है, कुकॉइन में थोड़ा सा डाल सकते हैं क्योंकि कुकॉइन की ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा है, जब पंप आएगा तो ये थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि सिर्फ 450 मिलियन पे ही बैठा है। ओके, और अगर हम लोग देखे यूनी में हमने डाल दिया, तो DYDX भी एक अच्छा है क्योंकि यूनिस्वैप काफी बड़ा है, तो मैं कहूंगा यूनिस्वैप की जगह तुम DYDX में डाल सकते हो, क्योंकि लोगों को दोनों ज्यादा ये स्वैप भी देता है पॉप भी देता है, तो एक ऑप्शन अच्छा है। GMX अच्छा ऑप्शन है, डेफिनेटली उसमें पैसा होना चाहिए, वू नेटवर्क थोड़ा अच्छा टोकन है। सो ये टोकन जो है वो अच्छे हैं, बट मैं वही कहूंगा कि 10 रुपए है तो भैया किसी में 40 पैसे, किसी में 50 पैसे, किसी में 1 रुपया वैसे ही डालो, और उसमें चेन लिंक जो है वो सबसे बड़ा चंक तुम्हारा खाना चाहिए। ओके, क्योंकि वो प्रोजेक्ट ऐसा है जो हर किसी के काम आने वाला है। ओके,
बट ओवरऑल ये बहुत अच्छा टाइम है, एक्यूमुलेशन स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करते रहो, डीसीए करते रहो। फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं है, बट डीसीए करते रहो। एट द एंड ऑफ द डे तुम इजीली 10x से 20x गेन्स जो है वो देखोगे। ओके, तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तुमसे कल मुलाकात होगी दोस्तों, थैंक यू सो मच।